शांति रख मैं बात कर रही हूँ ना, आप लोग हमारे साथ थोड़ा 200 और साल रह नहीं सकते? 200 साल? आई डोंट बिलीव दिस भावना आंटी, आप खुद 200 साल नहीं नहीं मतलब 50 साल, अच्छा तेरा नहीं मेरा नहीं, हाँ 2-4 महीना और गुजारिए ना हमारे साथ सनशाइन कॉलोनी में। यहाँ पे ऐसा करें कि चलो देखो ले हम जा 200 साल वाले 2-4 महीना नहीं ना 200 तुम्हारा ना मेरा 2-4 महीना तो रुक ही सकते हो। हाँ तो मार खा रेडी रूल रूलिंग एंड नहीं तो पहले से दे तो पहले से ही वो पहले से ही तू शांति रख मैं बात कर रही हूँ ना छोटा भाई, आप लोग हमारे साथ थोड़ा 100-200 साल और नहीं रह सकते सनशाइन कॉलोनी में साथ साथ? डोंट बिलीव दिस, इनका छोड़िए आप खुद 200 साल नहीं मेरा मतलब था कि 50 साल, अच्छा तेरा नहीं मेरा नहीं, 2-4 महीना तो और गुजारिए ना हमारे साथ। हाँ वो थोड़ा ज्यादा करना, अभी 2-4 महीने तो बात है ना तुम्हारा ना हमारा, 2-4 महीना तो और गुजारिए ना प्लीज हमारे साथ सनशाइन कॉलोनी में। दो चार दिन रुक सकते हैं, क्या है ना वो उसके आगे रुकना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जाना तो पड़ेगा क्योंकि जाते समय है ना आप ये बाबा भगवतानंद का भगूत लेके जाना सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को। वो भूता भाई का ले जाएंगे क्या वो मुझे आप लोगों से दरअसल एना और रॉनी से कुछ मांगना था, प्लीज रॉनी गुस्सा मत। अरे बोलो मैं क्या मांगना है, सीधा सीधा बात करो। वो पॉज ही जाए, गुस्सा मत करना रॉनी। अरे बोलो मैन क्या मांगना है तुमको, सीधा सीधा बात करो। अरे शरद ये है क्या, ये शरद इतना वो अपना वो एक मिनट, वो प्रीतेश और मितेश कल जिसका साइकिल का टायर का हवा निकाला बोला हाँ, और जब साइकिल वाला आने लगा तो प्रीतेश ने बोला भागो भैया शर्मा आ रहा है, तुम यही कहना चाहते हो? मतलब खास करके ऐना से और रॉनी से कुछ मांगना है मुझे, प्लीज गुस्सा मत करना रॉनी। ज्यादा शर्माया तू, अरे भाई बोलो भाई क्या मांगना है, सीधा सीधा बात करो। अरे शरद ये है वो अपना क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट वो प्रीतेश और मितेश कल जिसका साइकिल का टायर का हवा निकाला प्रीतेश ने बोला हाँ, और जब साइकिल वाला आने लगा तो प्रीतेश ने बोला भागो भैया शर्मा आ रहा है, और तू यही कहना चाहता है ना कि शरद क्यों शर्मा आ रहा है यही ना? अरे वो भद्रेश शर्मा आ रहा है नहीं शर्मा रहा है ऐसा बोल। ये देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे थोबरा मैंने ऐसा तुम तू करने वाला था ऐसा बोल रहा था। पैकिंग रह गया है तुम बोलो, नहीं बोलो बोलो आप बोलो आप बोलो बोलो हाँ ओ टोटल परिवार का प्रमुख होने के नाते मैं शरद के लिए ऐना का ऐसे थोड़ा हाथ मांगना चाहता हूँ। वो भी उसको भी एक दे दो ना पादवी। पत्थर वाले भगवान की कृपा से मैं वसंत घोटाला परिवार का प्रमुख होने के नाते डिसूजा परिवार के श्री रॉनी जी उनकी कनिष्ठ बहन
ऐना का हाथ अपने कनिष्ठ भ्राता के लिए भ्राता के लिए ऐसे थोड़ा मांगना चाहता हूँ। क्या बोलते हो नहीं बाबा? अरे ये बेचारा हुआ, बहुत खुश हुआ वो, खुशी खुशी। अरे ये क्या बोलेगा घोटाला भाई, जो बोल रहा है ना बोलेगी, क्यों रोनी है ना? तो एना तू बोल बेटा, क्या बोलना है तुझे? एक चार देना रोली एंड एक मिनट, वो पहले क्या बोलते हो रोनी हो गया उसके बाद। अरे ये क्या बोलेगा अभी, ये खुद नहीं बोल पाएगा बेवकूफ कहीं का। जो बोलना है एना ही बोलेगी। तो बेटा एना तू बोल, क्या बोलना है तुझे? एना को देखा और भगवान, तो इधर ये इधर राम दुलारी शर्मा ऐसा दर्द कर रही है उसका। एक्चुअली मैं कुछ बोलने से पहले शरद से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है तो एक काम करो शरद, तुम बाकी कमरे में चले जाओ और एना तुम मेरे कमरे में चले जाओ। मैं बोली देखो हाँ अभी इसके तरफ से कुछ नया आया है। बोल चपुड़ी क्या बोलना चाहती है तू? इसमें नया क्या है बा? आपने सुना नहीं एना को शरद से अकेले में बात करनी है, तो दोनों एक साथ रहेंगे तो अकेले में कैसे बात होगी? भद्रेश बोला अरे लेकिन दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे तो बात कैसे करेंगे कुतुब मीनार? मोबाइल से नितेश प्रतेश के पप्पा, और फिर शरद के पास तो सुपर पावर भी है ना टेलीपैथी। जाओ जाओ शरद एना जाओ। अरे एना शरद कहीं नहीं जाएंगे, हमें ही जाना होगा। अब चलो ये लोग तुम लोग बात करो, हम लोग किचन में चलते हैं, मैंने हाई क्लास रबड़ी बनाई है। चलो घोटाला भाई चलो। खड़ी हो गई सीन में क्या? हम लोग ये ग्रह छोड़कर अपने ग्रह जा रहे हैं और जाते जाते शरद और ऐना की शादी का प्रस्ताव मैं पूरी कॉलोनी वालों के सामने रखता हूँ, तो उस तरह का सीन है। आगे का तो पता नहीं, आगे हमारे राइटर ऊपर बैठे हैं वो लिख रहे हैं, तो वो वही बता सकते हैं हमें, वो जो देते हैं वो हम आकर बोलते हैं। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी हर एक जीव जंतु को जिसकी अपेक्षा होती, जिसकी प्रतीक्षा होती है, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा गलत वर्ड है, प्रतीक्षा होती है, वो अमृत तुल्य जल जब ऊपर से आसमान से बरसता है तब सब अपने आप खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और प्यासी धरती जो है वो गा उठती है और हम सब गा उठते हैं। बचपन में ऐसे तो बहुत है, ऐसे ऐसे भी बताने जाऊंगा तो वक्त निकल जाएगा। अब नहीं ऐसे ही लोग बहुत मस्ती मजाक करते थे, कागज के नाम बनाकर छोड़ते थे, क्योंकि उस वक्त के खेल अलग होते थे। उस वक्त हम लोग ज़्यादातर घर के बाहर खेलते थे, आजकल के बच्चे जो हैं वो घर में ही खेलते हैं टैब और अपने मोबाइल्स के साथ और लैपटॉप के साथ। तो वो एक अलग ज़माना था, अलग दुनिया थी, ये एक अलग दुनिया है। यही कहना चाहूँगा अपने सारे प्यारे फैंस से कि देखते रहिए, बड़ी दूर से आए हैं, हमारा टाइम अब चेंज हो गया है, मंगलवार से हम रात को 10 बजे आपके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो हम आपका मनोरंजन करने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपका प्यार यूं ही बना रहे।